इंदौर के पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोघे ने अब इंदौर से टिकट को लेकर एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि उनकी भूमिका पार्टी तय करेगी। यदि उन्हें पार्टी कहेगी तो वे संगठन का काम करेंगे और यदि कहेगी तो जनप्रतिनिधि का काम करेंगे। देखिए इस खास रिपोर्ट में। प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल कहे जाने वाली इंदौर सीट को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, तो वहीं हाल ही में इंदौर सांसद और लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन द्वारा लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा के बाद पूरे प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मच गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि पूर्व महापौर एवं वर्तमान में प्रदेश भाजपा की समन्वय समिति की सदस्य कृष्ण मुरारी मोघे को भी पार्टी आलाकमान मौका दे सकती है। मोघे ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि उनकी भूमिका पार्टी तय करेगी और पार्टी कहेगी तो संगठन का काम करेंगे और अगर कहेगी तो जनप्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे। यानी ताई के बाद अब मोघे के नाम की अटकलें तेज हो गई हैं। नहीं देखिए, भविष्यवाणी में कोई ज्योतिषी नहीं हूँ कि वो करूँ, और इसलिए ये होने के क्या निर्णय होता, निर्णय जैसा होगा उस भूमिका के अंदर काम करूंगा। मैं विभिन्न भूमिकाएं संगठन से लेके और जनप्रतिनिधि तक की निभा चुका हूं और उसका कार्यकाल उस बात का गवाह है, और इसलिए जो भी आगे दायित्व तो संगठन का मिले, जनप्रतिनिधि का मिले, उसको बहुत बखूबी निभाऊंगा, इतना ही आश्वस्त कर सकता हूं। कृष्ण मुरारी मोघे ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि प्रदेश की दो सीटें काफी सम्मानजनक हैं, एक इंदौर और दूसरी विदिशा, और दोनों की सीटों को लेकर पार्टी आलाकमान मंथन में लगा है और आगामी दो दिनों में इंदौर सहित बाकी बची अन्य सीटों पर भी भाजपा अपना प्रत्याशी तय कर लेगी। इसके साथ ही उन्होंने ताई के टिकट काटने को लेकर कहा कि प्रत्याशियों का चयन करना पार्टी अध्यक्ष के हाथों में है और वो ही तय करेंगे। नहीं देखिए, टिकट की एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के अंतर्गत प्रदेश इलेक्शन कमेटी ये रिकमेंडेशन से भेजती है, और प्रदेश इलेक्शन कमेटी ने जो रिकमेंडेशन से भेजी थी उसमें इन दो स्थानों के ऊपर इंदौर और विदिशा, चूँकि इसके ऊपर हमारे डिग्निटीज हैं, वहाँ से सुषमा जी थी और जिन्होंने घोषणा की थी कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, और यहाँ लोकसभा स्पीकर होने के नाते सुमित्रा जी थी, और इसलिए इन दोनों के ऊपर ये किया था कि इसमें जो भी नीति गत निर्णय करना है वो सेंटर इलेक्शन कमेटी करे। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी को नसीहत देते हुए कहा कि अपनी पार्टी के बारे में सोचें और भाजपा का काम भाजपा पर छोड़ दें, क्योंकि भाजपा अपने निर्णय लेने में सक्षम है। वो अपनी पार्टी में ही सलाह दें और अपनी पार्टी को ठीक करे, उसी में ज्यादा अच्छा है, और भारतीय जनता पार्टी को क्या करना है ये उसको समझ है और उस अनुसार ही निर्णय होंगे। कुल मिलाकर इंदौर में मराठी वोट निर्णायक भूमिका में है, जो अब तक एक मुश्त भाजपा के पाले में पड़ते आए हैं। ऐसे में ताई के बदले भाजपा कृष्ण मुरारी मोघे को भी टिकट दे सकती है, क्योंकि मोघे खुद मराठी लॉबी से आते हैं, साथ ही संघ और संगठन में भी विभिन्न पदों पर रहे हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो कृष्ण मुरारी मोघे पीएम मोदी के किसी जमाने बेहद करीब रहे हैं। मोघे इंदौर में संघ के विभाग प्रचारक भी रहे हैं, ऐसे में संघ और संगठन में उनकी गहरी पैठ है। इन सब समीकरणों को देखते हुए भाजपा यदि कृष्ण मुरारी मोघे के नाम पर मुहर लगाती है तो कोई हैरान की बात नहीं होगी। बहरहाल ताई के ऐलान के बाद अब माना जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटों के बीच भाजपा टिकटों का ऐलान कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।